हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि परसेंटेज की सीरीज चल रही है, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि टाइम प्रतिशत की सीरीज चल रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट आवे तो डाउट कीजिएगा कोई भी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका पहला मूल्य 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC GD वर्ष 2012 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 1,80,000, दूसरा ऑप्शन है 1,99,000, तीसरा ऑप्शन है 1,80,000 और चौथा ऑप्शन है 2,10,000। तो सॉल्यूशन, देखो 5% का ह्रास हो रहा है, मतलब 5% की कमी हो रही है। तो 5% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/20 ये कमी, ठीक है, ये पहले था सॉरी, तो 1 की कमी हो रही है, ठीक है। अब मैंने कल बताया था रेशियो कि रेशियो कैसे लिखते हैं इसका, पहले और बाद में, यानी वर्तमान में। तो पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 19। अगर 2 वर्ष है तो ऐसा ही कितनी बार करना है अपन को, 2 बार, तो ये कितना हो गया 400 और ये 361। अब अपन को बोला है उसने कि पहले मूल्य कितना था 2 लाख रुपए, पहले मूल्य 2 लाख रुपए था और अब पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद कितना होगा, ठीक है। तो अपन को वैल्यू दे रखी है 400 की, वैल्यू दे रखी है कितनी 2 लाख रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपए अपॉन 400 रुपए। पूछ किसकी रहा है 361 की, 2 वर्ष बाद में, तो 361 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 2 लाख × 361 अपॉन 400 रुपए, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 50, आ जाएगा 1,80,500 रुपये, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। किसी परीक्षा में 1,000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन SSC CGL वर्ष 1999 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 44.4, दूसरा ऑप्शन है 46.8, तीसरा ऑप्शन है 48.4 और चौथा ऑप्शन है 49.6। तो सॉल्यूशन, देखो लड़के कितने हैं टोटल 1,000 और लड़कियां 800, ठीक है। अब उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण लड़के कितने हैं 1,000 का 60%, यानी 1,000 × 60/100, तो यानी कितना जाएगा 600। 600 लड़के उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण लड़कियां 3 लड़कियां कितनी है 800 का 50%, 800 × 50/100, ठीक है, यानी 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 400। तो उत्तीर्ण लड़के 600 और उत्तीर्ण लड़कियां 400। अब देखो अपन है ना, पहले उत्तीर्ण लड़के का
वो निकाल लेंगे परसेंटेज, उसके बाद में अनुत्तीर्ण लड़कियों का परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो अनुत्तीर्ण का आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तीर्ण लड़कों का सॉरी टोटल कितना हुआ, टोटल टोटल कितना हो गया लड़के और लड़की, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉय प्लस गर्ल्स 600 प्लस 400 यानी 1800 टोटल हो गया। ठीक है, 1800 हो गया, ये तो टोटल हो गया 1800, 600 प्लस 400 इज इक्वल टू 1000, तो ये आ गया अपने पास टोटल जो पास है वो टोटल। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना, तो उत्तीर्ण यानी पास का प्रतिशत वो क्या होगा, टोटल पास कितना है 1000 अपॉन टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है, स्टार्टिंग में 1000 लड़के थे, 1000 तो लड़के थे और 800 लड़कियां थी, तो टोटल कितना हो गया 1800, तो 1800 को क्या कर देंगे अपन डिवाइड इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काट लेंगे 500/9 यानी आएगा ये 55.6। ठीक है, तो 55.6.6 आ गया, तो ये तो आ गया अपने पास उत्तीर्ण का प्रतिशत। तब अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होगा, का प्रतिशत 100 माइनस 55.6 यानी 44.4, ये अनुत्तीर्ण का प्रतिशत होगा 100 में से माइनस कर देंगे तो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। तो इसको करेंगे अपन वेन डायग्राम से। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब जो ये बीच दोनों आ रहे हैं ना, उसको रखेंगे अपन बीच में। ठीक है, यहां पे क्या रखेंगे 40% यानी दोनों का। अब देखो अंग्रेजी में 60% उत्तीर्ण है, तो यहां रख रहे हैं अपन इंग्लिश में, इंग्लिश में। ठीक है, और 70% किस में है, हिंदी में, तो यहां रख रहा हूं मैं हिंदी। ठीक है, अब देखो 60% इंग्लिश में और टोटल 40 में है, तो 40 में से 60 में से 40 गया तो 20% हुआ, तभी तो ये 60% होगा इंग्लिश में पास, इंग्लिश में पास यही तो शो कर रहा है। ठीक है, और 70 में से 40 गया तो 30% यानी ये 70% हिंदी में हो गया ये वाला। ठीक है, और टोटल भी 40% है। अब मैं निकाल लेता हूँ टोटल पास कितना हुआ, तो टोटल पास का परसेंटेज कितना है, वो कितना है 20 प्लस 40 प्लस 30, कितना हो गया 90%, यानी 90% तो टोटल पास है। अब बचा कितना जो अनुत्तीर्ण होगा यानी 10%, वो क्या होगा फेल यानी अनुत्तीर्ण होगा, फेल होगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। ठीक है, 20% नहीं है ये, 20 अंक है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2000 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 1200,
दूसरा ऑप्शन है 800, तीसरा ऑप्शन है 600 और चौथा ऑप्शन है 450। सॉल्यूशन देखो, किसी उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40% अंक। अगर वो 40% अंक लाता है तो पास हो जाएगा, ठीक है बराबर। यदि वो 220 अंक हासिल करता है, अब वो बोल रहा है कि अगर वो 20 से फेल हो जाता है, अगर उसके 20 अंक और आते हैं तो वो पास हो जाता, यानी मैं 20 अंक और इसमें जोड़ दूंगा क्योंकि वो अनुत्तीर्ण हो रहा है, अगर 20 अंक और आते तो पास हो जाता, ठीक है। तो 40% बराबर कितना हो गया? 240, 10 से 10 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 24/4, ठीक है। तो मुझे पूछ रहा है 100% यानी कितने अंक थे, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 24/4 × 100 यानी कितना हो जाएगा? 6, तो कितना हो जाएगा? 6 × 100 यानी 600 अंक, यानी परीक्षा में कितने अंक थे? 100, 600 सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2004 में आ चुका है। इसका पहला ऑप्शन है 42.33, दूसरा ऑप्शन है 43.34, तीसरा ऑप्शन है 41.32 और चौथा ऑप्शन है 39.30। सॉल्यूशन देखो, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो माना दूसरे ने, दूसरे व्यक्ति ने एक्स अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो पहले व्यक्ति को कितने मिलेंगे? पहले व्यक्ति के अंक कितना होगा? एक्स प्लस 9, ये होगा। अब वो बोल रहा है तथा उसके प्राप्तांक को दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है, किसके प्राप्तांक? पहले वाले के, यानी एक्स प्लस 9 = इन दोनों का सम, x+9+x इसका 56% इसके बराबर है, ये आ गया, ठीक है। x+9 = 2x+9 × 56/100, तो 100 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100x+900, ठीक है। और ये हो जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 112x+, ये हो जाएगा 504, ठीक है। ये आ जाएगा 12x = 396, तो एक्स कितना आ जाएगा? 396/12 यानी 33, ठीक है। एक्स की वैल्यू 33, तो ये कौन सा है? दूसरे व्यक्ति का, एक्स बराबर 33, तो ये दूसरे व्यक्ति के अंक है। तो पहले वाले के क्या थे? एक्स प्लस 9 यानी 33+9, वो कितने हो जाएंगे? 42। तो पहले व्यक्ति के 33 और दूसरे व्यक्ति के, सॉरी, दूसरे व्यक्ति के 33 और पहले व्यक्ति के 42, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 42 और 33, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? पहला ऑप्शन है 900, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 1050 और चौथा ऑप्शन है 800। ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ वर्ष 2017 में आ चुका है। तो सॉल्यूशन देखो, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक हासिल करने
प्राप्त हुए उसको, अगर उसको 180 अंक मिले तो वो बराबर, यानी 180 अंक से ही क्या हो रहा है फेल, अगर इतने ही मार्क्स और आते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 40% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360, ठीक है, मतलब इसके बराबर अंक आते तो पास हो जाता, यानी फेल हो गया वो, तो प्लस 180 आ गया, तो 40% किसके बराबर आ गया, 360। एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 36, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/4, तो कितनी आ गई, 9, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 100 यानी 900, तो परीक्षा में कितने अंक है, 900, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया, शेष बची हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दिया और इस प्रकार उसके पास 10,800 रुपये बचे, तो उसकी आय कितनी थी। ये क्वेश्चन SSC CGL वर्ष 2003 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा ऑप्शन है 40,000, तीसरा ऑप्शन है 30,000 और चौथा ऑप्शन है 20,000 रुपये। सॉल्यूशन, परसेंटेज में ऐसे जब भी क्वेश्चन आए शेष का शेष, शेष का शेष, तब इसको इस कंसेप्ट से करना है। पहले माना उस व्यक्ति की आय कितनी थी, आय एक्स रुपए थी, ठीक है, तो देखो एक्स इंटू अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, सेव को कितना कर रहा है, 80%, यानी 80/100 इंटू शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को, 30% दे दिया तो कितना बचा, 70%, 70/100, और शेष बची हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया तो ये कितना बचा, 90/100 बराबर, वो बचाता कितने हैं, 10,800 रुपये। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्या हो जाएगा, 10,800 × 100 × 100/80 × 7 × 9, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इकट जाएगा 4 और यह आ जाएगा 50, इकट जाएगा 2 और यह आ जाएगा 25, ठीक है, ये हो गया 7 × 2 = 14 और ये कट कट जाएगा इससे, तो ये एक्स का मान आ जाएगा अपने पास 20,000, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ, 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 28, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों पर 17,600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने में उसका वेतन कितना था। ये क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 वर्ष 2014 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 40,000, दूसरा ऑप्शन है 44,000, तीसरा ऑप्शन है 48,000 और चौथा ऑप्शन है 46,000। तो सॉल्यूशन देखो, वो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें था शेष का शेष, इसमें है और का मतलब होता है दोनों का जोड़, यानी पहले उसने भोजन पर प्लस बच्चों की शिक्षा पर जो खर्च होगा वो कितना होगा, ये खर्च होगा टोटल, तो 35 तो भोजन पर प्लस 5 बच्चों की शिक्षा पर, तो 40% उसने खर्च कर दिया। अब वो देखो, जनवरी 2011 में उसने इन दोनों पर 17,600 रुपये, मतलब इस ये टोटल है, ठीक है, तो इस पर है ना 17,600 रुपये खर्च किए, मतलब मैंने माना कि उसका जो वेतन था वो क्या था, एक्स, वेतन क्या माना, एक्स था, तो इस 40 का एक्स, 40 एक्स का 40% कितना होगा, 17,600 रुपये उसने इतने खर्च किए, तो एक्स इंटू 40/100 = 17,600।
तो एक्स बराबर 17,600 × 100/40, ये कट गया 2 बार, कट गया 5 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44,000। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, रामबाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा करा दिया। यदि अभी उसके पास 12,804 रुपए है तो उसकी आय कितनी थी। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 10+2 वर्ष 2015 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 17,460 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 15,000 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 7,500 रुपए यानी 7,500 रुपए, और चौथा ऑप्शन है 14,550 रुपए। तो सॉल्यूशन देखो, माना उसकी आय एक्स थी, ठीक है। अब 3% तो धर्म दान दे दिया, तो एक्स इंटू बचा कितना 97/100 इंटू 12% बैंक में जमा करा दिया, तो बचा कितना 88/100, बचा था कितना है 12,804 रुपये। ठीक है, तो एक्स क्या जाएगा 12,804 × 100/97 × 88। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 44 या जाएगा 50, ये कट जाएगा यहाँ से, या जाएगा 50। यह आ जाएगा 22, ठीक है, ये आ जाएगा 11 और यह आ जाएगा 25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है जिससे उनका वेतन 15,120 रुपये प्रतिवर्ष हो जाता है। उनका पूर्व मासिक वेतन यानी वृद्धि पहले कितना था। ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ वर्ष 2017 में आ चुका है। इसका पहला ऑप्शन है 1320 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 1200 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 1240 रुपये और चौथा ऑप्शन है 1440 रुपये। तो सॉल्यूशन, तो माना उनका वेतन एक्स था, उनका वेतन एक्स था, ठीक है। अब देखो, मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, तो एक्स का 5% बढ़ेगा यानी एक्स इंटू 105/100, तो उनका वेतन कितना हो जाता है 15,120। तो एक्स बराबर 15,120 × 100/105, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 21 और ये 5 से कट जाएगा 20, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 14,400 रुपये, ठीक है। तो अब वो हमको पूछ रहा है कि अब मासिक वेतन कितना था, तो अभीष्ट मासिक वेतन कितना होगा, मासिक वेतन होगा 14,400 डिवाइडेड बाय 12, 12 का भाग दे देंगे तो मासिक वेतन आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल वर्ष का था, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है, ये कट जाएगा इससे, तो 1200 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सेकंड। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर लेके 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस कवर किए परसेंटेज की सीरीज के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।